नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ मेरे सामने। वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हुआ ये कि दोस्तों मेरे सामने एक फ़ोन आया, मेरे एक यहाँ पे रिलेटिव आए थे मेरे घर पे कुछ दिन पहले, तो उनके पास सैमसंग का M51 फ़ोन था। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि जस्ट कैजुअली मैंने उनका फ़ोन मांगा, मुझे एक नंबर डायल करना था। तो जैसे ही मैंने उनका फ़ोन लिया और क्विक टाइल्स को थोड़ा सा स्नैप किया ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए, मेरा दोस्तों एकदम मुझे ऐसा शौक ऐसा लगा कि तुरंत मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। मैं दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर अपडेट पे गया और वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि ये अब जो फ़ोन है ये अभी भी एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है। उसके बाद दोस्तों जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा और मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपने इसको अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया है। तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा मुझे उतना अपडेट के बारे में पता नहीं है और अपडेट मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है अननेसेसरी फ़ोन को अपडेट करने की। हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो इस चीज़ की, मैं मानता हूँ, क्योंकि आजकल जितना नॉलेज हम लोगों को इस 18 से 24 वाले ब्रैकेट को है उतना ज़्यादा इस समय 30-35 वाले को भी नहीं है। साथ ही में दोस्तों मैंने उनसे डेट भी पूछी कि कब उन्होंने फ़ोन परचेस किया था। तो वो फ़ोन उन्होंने लगभग यहाँ पे नवंबर दिसंबर के अराउंड 2020 में फ़ोन परचेस किया था। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब आप अपने फ़ोन को कभी भी अपडेट ना करें और एक दो साल बाद जब आपका मन हो तब आप अपडेट करें तो क्या होगा उससे और क्या परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए आज किस कुमार की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सैमसंग का M51। आपको मैं पीछे देखिए कैमरा लेआउट भी दिखा देता हूं, इसका पंच होल डिस्प्ले है। तो यहां पे आप अगर मैं अबाउट फोन पे क्लिक करता हूं और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में लेकर चलता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें अभी भी एंड्रॉयड 10 का वर्जन चल रहा है और One UI Core 2.1 आपको देखने को मिल रहा है। रियली काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए शौकीन हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एंड्रॉयड 10 अभी भी इस फ़ोन में चल रहा है। तो यहाँ पे आप पैच लेवल भी देख सकते हैं, इसमें 1 अगस्त 2020 का पैच लेवल इंस्टॉल है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा है। ऑब्वियसली बात है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा और आप देख सकते हैं कि फ़ोन दोस्तों एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, माई फाइल सही से खुल रहा है, फ़ोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में और लास्ट अपडेट आप देख सकते हैं डिसेबल है, अभी तक ये एक बार भी फ़ोन अपडेट नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है। अब हम लोग इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। ये एक छोटा सा सिक्योरिटी पैच अपडेट है और यहाँ पे 800 MB का अपडेट है और इसके बाद एकदम जनवरी 2021 का ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इंस्टॉल नाउ पे और फ़ोन को थोड़ी देर के लिए अपडेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब ये फ़ोन दोस्तों अपडेट हो रहा है और अभी एंड्रॉयड 10 ही का अपडेट है। देखते हैं दोस्तों होता क्या है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा लास्ट तक जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आपको दोस्तों ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आएगा जब जो लोग सोचते हैं कि फ़ोन को हम लोग ना अपडेट करें। A few moments later, a little longer than a few minutes later. और दोस्तों आप देखिए फ़ोन अपडेट हो गया है, सबसे पहला अपडेट इसमें इंस्टॉल हुआ है और One UI का वर्जन दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें 2.5 देख सकते हैं, आपको याद होगा कि 2 सीरीज का जब अपडेट रोल आउट होता था तो 2.5 भी आता था, 3.5 तो नहीं आया लेकिन हाँ 2.5 आया था। तो One UI Core वर्जन 2.5 पे फ़ोन अपग्रेड हो गया है। और अब चलिए हम लोग वापस सिक्योरिटी पैच अपडेट में चलते हैं और यहाँ पे एक और नया अपडेट आ गया है, वो है एंड्रॉयड 11 का। तो यहाँ पे देखिए अपडेट मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये अपडेट हो रहा है 20 minutes later। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ी देर मैंने वेट किया और एंड्रॉयड 11 भी इसमें इंस्टॉल हो गया। अब दोस्तों इसके बाद जैसे ही एंड्रॉयड 11 इंस्टॉल किया इसके बाद तुरंत यहाँ पे एक और पैच लेवल 900 MB का अपडेट आ गया, वो भी एंड्रॉयड 11 से रिलेटेड है लेकिन वो बिल्कुल लेटेस्ट 1 दिसंबर 2021 का। अभी क्या लेटेस्ट कहेंगे, ये तो तब के टाइम का लेटेस्ट हो गया। तो अब चलिए फिर से अपडेट करते हैं फ़ोन को 1 hour later। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फिर से अपडेट कर लिया है फ़ोन को और इसके बाद मैं अगर चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स में तो एक बार अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि One UI Core वर्जन 3.1 इंस्टॉल है और एंड्रॉयड 11 पे अब ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था, ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम किया है और आपके भी सामने आई होप ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस आपका भी होगा। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों बैक टू बैक इसमें अपडेट आते जा रहे हैं। इसमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ गया, मतलब ज़्यादा देर नहीं 1 घंटे के अंदर ही मैंने 2 साल की अपडेट टाइमलाइन पूरी कर दी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन को बिल्कुल अपडेट ना करें। मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए मतलब दिसंबर 2020 से हम लोग फ़ोन को घसीट के लाए हैं यहाँ अप्रैल 2022 तक।
अब दोस्तों जो भी था काफ़ी मुझे एकदम यूनिक एक्सपीरियंस रहा। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़ोन कभी हैंग किया, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़ोन उन्होंने कहा जैसा आउट ऑफ द बॉक्स निकला था वैसा ही यहाँ पे परफॉर्म करता रहा। तो चलिए एक नया एक्सपीरियंस था। 2 साल तक वो यूज़ करते रहे फ़ोन को एंड्रॉयड 10 ही पे। उनको पता ही नहीं था कि एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 जैसी चीज़ें भी आ गई हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। अब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि दोस्तों ऐसी मिस्टेक कोई और ना करे। क्योंकि फ़ोन को जब आप अपडेट नहीं करते हैं तो प्रोसेसर भी अपग्रेड नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने फ़ोन को अपडेट करा करिए टाइम टू टाइम। जो भी अपडेट आए, छोटा है बड़ा है, ऐप्स के अपडेट आए, अपने फोन को टाइम टू टाइम अपडेट करे रहा करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस कमाल की नेट एक वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी कमाल की वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए। तो इतना ही था बस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अब चलिए मिलते हैं इस कमाल की नेट एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।